सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर जेवाईटी एग्जाम में आया हुआ था। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड बाय गुडो वैन रिसम, मीन्स इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इन्वेंटेड की गई है किसके द्वारा, गुडो वैन रिसम के द्वारा। तो कुछ जो ऑप्शन है हमारे पास वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है C++ लैंग्वेज, सेकंड बोलता है सी लैंग्वेज, थर्ड बोलता है जावा लैंग्वेज एंड फोर्थ बोलता है पाइथन लैंग्वेज। तो इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, जो भी टॉपिक है हमारा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले जो हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आती है, सबसे पहले वो आती है फोर्ट्रान। ये शॉर्टकट में इस लैंग्वेज की एब्रीवेशन है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का जो कंप्लीट नेम है वो है फार्मूला ट्रांसलेशन। आपने याद रखना है, आपको क्वेश्चन किस तरह से भी आ सकता है, आपको चार ऑप्शन आ सकती है, उसमें से पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है या नहीं है, या इनमें से कौन सी लैंग्वेज जिसका जो नाम है, जो फुल एब्रीवेशन है, फार्मूला ट्रांसलेशन है, वहां कुछ और भी हो सकता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ओके, तो इसका जो कंप्लीट जो नेम है वो है फार्मूला ट्रांसलेशन। इन्वेंटेड बाय देख लेते हैं किसने इन्वेंटेड किया है फोर्ट्रान लैंग्वेज को। इसको इन्वेंटेड किया गया है जॉन बेकेस इन 1957। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है अपने, जॉन बेकेस इन 1957। जो फार्मूला ट्रांसलेशन, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको इन्वेंट किया गया है किसके द्वारा, जॉन बेकेस के द्वारा। कब किया गया है, 1957 में। नेक्स्ट देख लेते हैं फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इनमें से कौन सी फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है, तो जो फोर्ट्रान है वो हमारी क्या है, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। यूज इन साइंटिफिक कैलकुलेशन, इसका जो यूज किया जाता है किसमें किया जाता है, साइंटिफिक कैलकुलेशन में। इसे इस नाम से भी जाना जाता है कि फर्स्ट साइंटिफिक लैंग्वेज। तो आपने ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट साइंटिफिक लैंग्वेज है वो फोर्ट्रान को ही कहते हैं, एंड फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज वो भी फोर्ट्रान को ही कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं, तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी वो है लिस्प। लिस्प जो इसका फुल नेम है वो है लिस्ट प्रोसेसिंग, काफी इंपॉर्टेंट है। इन्वेंटेड बाय जॉन मैकार्थी इन 1958। जो लिस्ट प्रोसेसिंग, इसका जो पूरा नाम है लिस्ट लैंग्वेज का, वो है लिस्ट प्रोसेसिंग। इसको इन्वेंटेड किया गया है जॉन मैकार्थी के द्वारा 1958 में। ओके, जो लिस्ट लैंग्वेज का यूज होता है, उसका यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हमने कहां किया था, फ्यूजन में इसका यूज स्टार्ट हो चुका था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही जो लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका यूज होता था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो लैंग्वेज आती है हमारी कोबोल। कोबोल का जो पूरा नाम है वो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इस तरह से भी आ सकता है आपके पास कि कोबोल स्टैंड फॉर, तो इस तरह से अपने याद रखना है, कोबोल का मीन्स है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जिसका कॉमनली यूज किया जाए किसमें, बिजनेस पर्पज में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, इन्वेंटेड बाय ग्रेस होपर इन 1959। जो कोबोल लैंग्वेज है इसको इन्वेंटेड किया गया था किसके द्वारा, ग्रेस होपर इन 1959। काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछता भी अक्सर और पूछने के पूरे पूरे चांसेस है कि कौन सी लैंग्वेज किसने इन्वेंट की गई थी और कब इन्वेंटेड की गई थी। तो इसको किया था ग्रेस होपर इन 1959। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट बिजनेस लैंग्वेज। जैसे ही हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट बिजनेस लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें नाम, इसके जो नाम है कोबोल, उसी में ही बिजनेस का एक नाम आ रहा है एब्रीवेशन में, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका जो यूज किया गया है वो फर्स्ट बिजनेस लैंग्वेज में, मींस इसका जो यूज होता है बिजनेस लैंग्वेज में होता है। और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी फर्स्ट बिजनेस लैंग्वेज है या कौन सी है, बताइए। तो आपने याद रखना है कोबोल जो हमारी है फर्स्ट बिजनेस लैंग्वेज है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेसिक। बेसिक की जो फुल एब्रीवेशन है वो है बिगनर ऑल पर्पस सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बिगनर ऑल पर्पस सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसको इन्वेंटेड किया गया था जॉन जी कैमनी एंड थॉमस इकुड्स 1964 में इसको इन्वेंटेड किया गया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लैंग्वेज हमारे पास है पास्कल। पास्कल ये भी है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, इसको इन्वेंट किया गया था निकोलस वर्थ इन 1970। जो पास्कल लैंग्वेज है इसको कब इन्वेंट किया गया था, 1970 में इन्वेंट किया गया था। किसने इन्वेंट किया था, निकोलस वर्थ। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है पहले भी और पूरे पूरे चांसेस है कि क्वेश्चन यहां से बन सकता है, और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं सी लैंग्वेज। जो हमारी नेक्स्ट लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज आल्सो पार्ट ऑफ
हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, इन्वेंटेड बाय डेनिस रिचे। सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया था, किसने इन्वेंट किया था? डेनिस रिच ने इन्वेंट किया था। क्रिएटेड एट AT&T बेल लेबोरेटरीज। सी लैंग्वेज को जिस लैब में बनाया गया था उस लैब का नाम है AT&T बेल लेबोरेटरीज in 1972। इसको जिस लैब में बनाया गया था उस लैब का नाम है AT&T बेल लेबोरेटरीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी लैब है या उस लैब का नाम बताइए जहां सी लैंग्वेज को क्रिएटेड किया गया था, जहां सी लैंग्वेज को बनाया गया था इन 1972 में इसे बनाया गया था और AT&T बेल लेबोरेटरीज में इसे बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सक्सेसर ऑफ बी लैंग्वेज, मीन्स बी लैंग्वेज के बाद ही सी लैंग्वेज का इन्वेंट हुआ था। सी लैंग्वेज से पहले बी लैंग्वेज थी, देन सी लैंग्वेज का इन्वेंट हुआ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो है C++। काफी इंपॉर्टेंट है C++, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। C++ इन्वेंटेड बाय बजारिन स्ट्राउस्ट्रप इन 1979। इसको जो इन्वेंट किया गया था किसके द्वारा किया गया था? बजारिन स्ट्राउस्ट्रप इन 1979 एंड क्रिएटेड एट AT&T बेल लेबोरेटरीज। C++ लैंग्वेज को भी उसी लैब में बनाया गया था AT&T बेल लेबोरेटरीज में, जहां सी लैंग्वेज को बनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं जावा। काफी इंपॉर्टेंट है जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज एक हमारी हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन्वेंटेड बाय जेम्स गोसलिंग इन 1995। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जावा लैंग्वेज को कब इन्वेंट किया गया था। 1995 में इसे इन्वेंट किया गया था। किसने इन्वेंट किया था? जेम्स गोसलिंग। एंड नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जो जावा लैंग्वेज है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? ऐसी लैंग्वेज जिसमें जो कोड उसे जिस उस लैंग्वेज को जो बनाने में हम कोडिंग वगैरह का जिस कोड का हम यूज कर रहे हैं उन कोड को हम दोबारा से रीयूज उनको कर सकते थे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यहाँ यही है मतलब इसका कि इस लैंग्वेज में जो भी कोड हम यूज करते थे उन कोड का हम दोबारा क्या है उनका यूज कर सकते थे। तो मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जावा लैंग्वेज। डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम। जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसे डेवलप किया था उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सन माइक्रोसिस्टम्स। तो पूछा जाता है कि जावा को ऑर्गेनाइज जो जावा को जिसने जावा को डेवलप किया है उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? तो आपने ध्यान में रखना है सन माइक्रोसिस्टम्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो है पाइथन। पाइथन लैंग्वेज पूछा जा सकता है और यहां से क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो जो पाइथन लैंग्वेज है क्रिएटेड बाय गुडो वैन रसम इन 1991। जो गुडो वैन रसम है उन्होंने 1991 में क्या है पाइथन लैंग्वेज को इन्वेंट किया था। ये भी क्या है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसमें जो भी कोड यूज होते थे इस लैंग्वेज को बनाने में उन कोड का हम दोबारा से क्या है उनका रीयूज कर सकते थे। तो क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट होते हैं जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। क्रिएटेड बाय ब्रैंडन ईक इन 1995। इसको इन्वेंट किया गया था किसने से इन्वेंट किया था? ब्रैंडन ईक। कब किया गया था? 1995 में से इन्वेंट किया था। ओरिजिनल नेम जो जावास्क्रिप्ट है इसका जो ओरिजिनल नेम सबसे पहले क्या था? मोचा। तो ये यहां से याद रखना है किसका जो ओरिजिनल नेम था मोचा, बाद में इसे रिनेम किया गया है जावास्क्रिप्ट में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस जेवीटी एग्जाम में आया हुआ था। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड बाय गुडो वैन रसम। इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो गुडो वैन रसम है उन्होंने इन्वेंट किया था? तो जो लैंग्वेज है ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले बोलते हैं C++, सेकेंड जो ऑप्शन बोलते हैं सी लैंग्वेज, एंड थर्ड ऑप्शन बोलता है जावा लैंग्वेज, एंड लास्ट में बोलता है पाइथन। तो हमने अभी डिस्कस किया जो गुडो वैन रसम है उन्होंने इन्वेंट किया था कौन सी लैंग्वेज को? पाइथन लैंग्वेज को। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा होगा फोर्थ वन। Python is our correct answer. जो हमने आज डिस्कस किया यहाँ से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ते हैं क्योंकि इसमें से पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि कौन सी लैंग्वेज को इन्वेंट कब किया गया था या किसने इन्वेंट किया गया था, इसमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैंने इसी बेस में आज MCQ नहीं लगाया क्योंकि इसमें जो MCQ बनेंगे वो डायरेक्ट बनेंगे। तो इसमें यह है कि आपको इसको एक बार गो थ्रू करना होगा, इसको दो तीन बार गो थ्रू कर लीजिए अच्छे तरीके से क्योंकि इसमें जो नेम है वो काफ़ी थोड़े डिफिकल्ट है, याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो इनको थोड़ा रिटर्न में प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, थैंक यू।